सो गाइस यार, आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतने दिनों से यार अपने घर में दुबक कर बैठा हुआ हूँ, लेकिन यार इतने दिनों की बात नहीं है गाइस। यार आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मतलब मेरे स्टाफ वाले यार मेरे पे इतना हमला कर रहे थे, माइकल भाई पे भी हमला कर रहे, शिनचैन पे भी हमला कर रहे थे गाइस। मेरे स्टाफ वालों को पता नहीं किसने क्या बोल दिया, क्या नहीं हुआ। अब प्रेसिडेंट को भी मैं कॉल प्रेसिडेंट की कॉल करता हूँ मैं, हेलो प्रेसिडेंट सर। अरे हाँ फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन कुछ पता चला तुम्हारे स्टाफ वाले ये क्या कर रहे हैं? अरे सर पता नहीं सर क्या दंगा कर रहे हैं ये लोग, और आपके भी नहीं सुन रहे सर। अरे फ्रैंकलिन मैंने तो यार FIB सिक्योरिटी को भी बोला चुका है फ्रैंकलिन। अरे तो प्रेसिडेंट सर मेरे लिए लगवा दो ना फ्रैंकलिन, जो आने में टाइम लगेगा, लेकिन फ्रैंकलिन तब तक तुम चुपके रहना। अरे कट कर दिया फ्रैंकलिन भाई, ये क्या हुआ? शिनचैन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अरे अरे फ्रैंकलिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसी घर में रहेंगे, क्योंकि यार लास्ट एपिसोड में देखा ना यार उन लोगों ने कितने बुरी तरीके से हमारे पीछे हमला कर दिया यार, इतनी रेंज रोवर्स आई गाइस। हां गाइस रेंज रोवर से याद आया, माइकल भाई और मैंने अपनी गाड़ी ना गैराज में छुपा के रखी हुई है, क्योंकि अब हम जब भी जाएंगे तो यार उससे जाएंगे ही नहीं, और हम यूनिफॉर्म पहनेंगे ही नहीं कुछ दिनों तक जब तक ये शांत नहीं हो जाता, क्योंकि यार वो पुलिस है भाई, पुलिस पूरे मूड के साथ है, मतलब क्या पता कुछ हार्म पहुंचा दिया हमें तो। अरे हाँ फ्रैंकली भैया, लेकिन मेरे को कुछ जरूरी काम से बाहर तो जाना था यार, हिमावारी और पिंचन के पास। अरे हाँ यार उनके पास तो जाना ही है शिनचैन, शिनचैन इसलिए मैंने यार जुगाड़ कर रखा है तेरा। फ्रैंकली क्या जुगाड़ कर रखा है? माइकल भाई काले शीशे वाली काली गाड़ी मैंने लेस्टर से मंगा रखी है, लेस्टर कुछ ही देर में आता होगा। बात सब कर लो। अबे हाँ चुप, बात सब कर लो, मैं आ जाऊँ। आ जा भाई आ जा। यार कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या है भाई, और मेरे स्टाफ वाले मेरे खिलाफ हो गए भाई, सर सर करके अदब से बात करते थे गाइस, आप लोगों ने देखा था ना, लेकिन आज यार ये लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं। बात तब कर लो, कहाँ पे इधर आजा चुप, बात तब आ रहा हूँ बात तब कर लो। देख कभी मैंने एक चीज सुनी है भाई। क्या बात सब कर लो, तेरे पे ना भाई निशाना साध रखा है उन लोगों ने। मतलब चला रहा? अबे भाई कोई भी चला रहा होगा तो। बात सब कर लो, स्नाइपर गोली कोई नहीं चला रहा भाई, फ्रैंकली डर मत यार। क्या पता वो मेज बैंक की छत जो वहां से दिख रही है, नहीं मेज बैंक की वो होटल की छत जो वहां से दिख रही है, कहीं वहां से गोली मार दे। अबे हाँ यार इसलिए मैं डर के बैठा हुआ, फ्रैंकलिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अब बात अब कर लो, लेकिन यार यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं महफूज जगह जाना पड़ेगा, क्योंकि यार तेरे जो पुलिस ऑफिसर है भाई सब ये तो हमें छोड़ेंगे भी नहीं भाई। काय बात के पुलिस ऑफिसर, पता नहीं क्या यार क्या ड्रामे हो गए हैं। माइकल भाई क्या करें यार, फ्रैंकलिन यार लेस्टर आए तो यहाँ से निकल करके ना एक मेरी जगह है, वो बोरी पूरी सुनसान जगह है, वहां पे चलते हैं। बात अब कर ले, मैं अंदर के साथ बैठूंगा गाड़ी में। भाई तू अंदर ही बैठियो चुप, भाई गाड़ी पूरी आर्मर्ड है भाई, पूरी आर्मर्ड है। फ्रैंकलिन भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अरे यार दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा यार। यार उसने बीट से फ्रैंकलिन ने मुझसे हेल्प मांगी तो यार मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ये गाड़ी को मैंने ये बैठ करके पूरे 12 घंटे पे बनाया गाइस, यार ऐसी अनमामूली कार नहीं है ये कार ना सबको तबाह कर सकती है गाइस। यार ये गाड़ी ना एक बार तबाही साबित हो गई थी तो यार गाड़ी को मैं ये सब चीजें ना मैंने हटानी पड़ी थी, और मेरे पे यार कंप्लेंट भी हो गई थी, और वो केस मेरे पे अभी भी चल रहा है। लेकिन यार मैंने प्रेसिडेंट और फ्रैंकलिन के कहने पे यार इतने बड़े ऑर्डर आने पे यार ये मैंने गाड़ी वापस से बनाई है, और यार फ्रैंकलिन को प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं ये गाड़ी, क्योंकि यार अगर किसी ने भी फ्रैंकलिन पे हमला किया तो फ्रैंकलिन यार इससे गाड़ी के क्या अंजा पंजा ढील कर देगा सामने वाले की गाइस। यार मैं यार फ्रैंकलिन को जाकर के मैं बताता हूँ जाकर के, फ्रैंकलिन भी इतना ज्यादा खुश हो जाएगा कि यार ऐसी गाड़ी तो उसने कभी देखी भी नहीं होगी। फ्रैंकलिन। अरे हाँ भाई लेस्टर, अरे फ्रैंकलिन कहाँ पे हो, ऊपर आ जा भाई। हो, फ्रैंकलिन के घर में ये लोग कौन है? ये तो लेस्टर है, ये लेस्टर क्या गाड़ी लेकर आया है? अच्छा फ्रैंकलिन निकलने की सोच रहा है, अच्छा अपनी अपनी सिक्योरिटी को बता देता हूँ। हेलो ऑफिसर्स। अरे हाँ बोल भाई। अरे हाँ फ्रैंकलिन अपने पुराने वाले घर से निकलने वाला है, तैनात हो जाओ। अरे हाँ रास्ते में घेर लेंगे उसको, देखते हैं हम उसमें कितनी पावर है। अब आएगा ना मजा, खेला शुरू होता है। कहाँ पे है भाई लेस्टर? अरे आ गया यार फ्रैंकलिन, 2 मिनट रुको यार आ गया। अरे फ्रैंकलिन यार मैं ऐसी गाड़ी, यार फ्रैंकलिन बहुत ही तबाही मचाने वाली गाड़ी है वो। अच्छा ऐसा क्या है? फ्रैंकलिन उसमें हर तरीके के वेपन है, चल। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन तुम मानते नहीं हो ना, इस बात पे गुस्सा आती है। फ्रैंकलिन यार वो कुछ भी कर सकता है, बात सब कर ले, कुछ भी कर सकते हैं लेस्टर रद्दू। अरे यार मैं तभी बोल रहा हूँ उसमें हर तरीके के वेपन है। फ्रैंकलिन यार तुम्हारे घर का मैं ध्यान रखता हूँ, तुम जाओ यार यहाँ से निकलो यार, तुम्हारे वहां से खतरे से खा लेनी है। मेरा एक स्पेस जगह है यार वहां पे। नहीं नहीं देख वो उसकी यार भाई तूने इतनी हेल्प कर दी वही बड़ी बात है, माइकल भाई का एक स्पेस है मैं उधर चल जाऊंगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन बेस्ट ऑफ लक, मैं जाओ यार तुम। ठीक है भाई लेस्टर चलते हैं अभी, फ्रैंकलिन भैया चलो। अबे चौप कहाँ पे पीछे चौप कहाँ पे? अबे यार ये पहुंच गया होगा गाड़ी के अंदर यार, आ जाओ भाई आ जाओ जल्दी से, माइकल भाई आप भी आ जाओ। अरे आ जाओ भाई ये गेट यार मेरे लिए खुलता है। शिनचैन कहाँ पे? अरे आ रहा हूँ फ्रैंकलिन भैया। ओ भाई साहब क्या क्रोम मतलब कॉपर कलर की कार है यार फ्रैंकलिन भैया, बड़ी बेहतर। ये क्या है भाई फ्रैंकलिन, ये क्या है भाई? अबे यार क्या है ये? ओ भाई
यार इतनी सेफ्टी इस कार में। बात तब कले बाद बैठा हुआ हूँ। हाँ भाई बैठा हुआ शिजन, फ्रैंकलिन भाई मैं पीछे बैठ गया, वैसे छुप के बैठा हूँ। ठीक है भाई ठीक है यार। माइकल भाई ये क्या है ये? फ्रैंकलिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा। गाइस यार आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताना, उसने मेरे को लेस्टर ने क्या बताया किससे वार होगा। फ्रैंकलिन भाई मुझे भी नहीं पता यार किससे वार होगा। अबे यार एक सेकंड गाइस, यार क्या भयंकर गाड़ी है यार ये। गाइस क्या कर सकती है ये गाड़ी मुझे समझ भी नहीं आ रहा। ये क्या निकला, ये क्या हुआ भाई, सामने क्या हो रहा है? फ्रैंकलिन भाई ये क्या वेपन्स निकल के आए? एक सेकंड भाई, ओ भाई ये क्या है? फ्रैंकलिन भैया ये तो मामूली कार नहीं है, ये तबाही मचा देगी भाई साहब। गाइस देख सकते हो ये तो सही में तबाही मचा देगी। बात अब कलो निकल ले, अब सही बता रहा हूँ मैं, सामने वाले की तो ये टट्टी निकाल देगी भाई साहब। ये इतनी पावर है इसमें, ओ भाई साहब कितनी सारी मिसाइल छूटी है। फ्रैंकलिन ये क्या है भाई? ए कौन आया? फ्रैंकलिन तेरी गाड़ी मांग लग गई भाई। क्या बात करते हो यार, वो तो ऐसे ही नॉर्मल है। फ्रैंकलिन यार फिर भी यार डर तो लग ही रहा है। माइकल भाई डरने की जरूरत नहीं है, अब यार हम सेफ हैं। और आप स्पेस के लिए आप लोकेशन मुझे बता। एक सेकंड ये पुलिस कहां से आ रही है? फ्रैंकलिन भैया आपने कहां से बुलाई? एक सेकंड फ्रैंकलिन मुझे लग रहा है पुलिस की तेरे पे नजर थी। कल भाई आप सही कह रहे हो, ये पुलिस वालों की मेरे पे नजर थी। फ्रैंकलिन भैया तो अब क्या करोगे? अबे भाई साहब अब तो ये रहो, अब तो मैं फंस गया यार। बात अब कले नहीं फंसा तू भाई, तेरे साथ हम है। अबे भाई हम लेकिन मेरे पास आज गाड़ी है भाई, पुलिस वाले सही में यार यहाँ पे। फ्रैंकलिन भैया अब निकल लो। फ्रैंकलिन अब तू कैसे भी करके यार बचा लो यार हम लोगों को। माइकल भाई मैं बचाऊंगा और ये गाड़ी भी हमारे पास। गाइस यार ये बहुत ज्यादा खतरनाक हिसाब किताब हो ही चुका है। फ्रैंकलिन भैया एक बार पुलिस पे अटैक करके देखो। अच्छा ऐसी बात है, भैया वही मैं बोल रहा हूँ। ओ भाई साहब गाइस एक ही बार में ब्लास्ट कर दिया मेरी गाड़ी ने। फ्रैंकलिन भैया एक साथ कितनी सारी आ रही है? अबे चलना है इनकी ऐसी की तैसी। अब मेरे पास ये गाड़ी है ना तो आज मेरे को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। फ्रैंकलिन भैया निकाल लो, अबे निकालते हैं। ओके सो गाइस माइकल भाई स्पीड में निकाले। फ्रैंकलिन स्पीड में निकालना पड़ेगा यार, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है। माइकल भाई हमारी सेफ्टी के लिए, पर यार मेरे को किसी से उलझना नहीं है, बस यार मुझे निकलना है अपने रास्ते में और जो मेरे रास्ते में बीच में आया मैं उसको खत्म करते चल जाऊंगा। फ्रैंकलिन भैया वही तो बहुत अच्छी बात है। अबे हाँ यार एक सेकंड, आए मेरे रास्ते में, आए आए बेटे आए, तुम आए, तुम क्यों आ गए? फ्रैंकलिन भैया तो पीछे जा रही है, ऊंचा पीछे जा रही है। ले भाई ले भाई ले 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 एक सेकंड हट जाओ भाई, क्या सोच रहे हो तुम? ऐसी सोच रहे हो, ऐसी टुच्चा मुच्चा नहीं हूँ भाई। फ्रैंकलिन भैया इनको भी तो पता चले कि ऑफिसर बोलते किस चीज को है। अब यार इस गाड़ी की लेकिन ऐसी तैसी हो गई, अपने आप रिकवर भी तो हो गई भाई साहब। क्या जादू की गाड़ी है भाई फ्रैंकलिन, ये तो गजब की गाड़ी है। गाइस यार मुझे समझ नहीं आ रहा यार मेरे स्टाफ क्वार्टर मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है। फ्रैंकलिन भैया कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है यार, ये बैठ कर बात भी करने का टाइम नहीं दे रहे हैं। अबे हटने का बात करने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। अरे भाई सुन लो यार एक बार मेरी। हम नहीं सुनते तेरी फ्रैंकलिन, तूने बहुत गलत किया हम लोगों के साथ। मैंने कुछ नहीं किया यार। फ्रैंकलिन भैया क्या करे अब, मैं कुछ नहीं कर सकते तो भाई यही लो फिर, तुम यही लो, तुम इसी लाए हो। फ्रैंकलिन भैया किसी यार हाईवे पे चले जाओ यार। अबे रुक जा भाई, हाईवे पे चले जाएंगे गाइस लेकिन मैं इनको खत्म करके जाऊंगा। फ्रैंकलिन निकल ले भाई, बूस्ट भी है इसमें। मैं भाई सब कुछ है इस गाड़ी में। फ्रैंकलिन भैया मारे सामने वाले को, रुक जा एक सेकंड गाइस उड़ाया, क्या तगड़ा उड़ाया है। फ्रैंकलिन भैया गाड़ी से तो बच लोगे लेकिन आगे वो पुलिस के ऊपर वो हेलीकॉप्टर को गाइस पे देखा जाएगा। मैं ना यहाँ पे पहले निकल लेता हूँ, माइकल भाई ने जो महफूज जगह बोली है ना मैं वहाँ पे निकल लेता गाइस जल्दी से। फ्रैंकलिन भैया तेज स्पीड में भाई, तेज में निकलूंगा। कलो आज रेंज रोवर नहीं दिख रही है इतनी। अबे भाई साहब ये मौसम कैसा हो गया, ये क्या हो रहा भाई, आसमान बादल नीचे आ गए। फ्रैंकलिन भैया वो बादल क्या कर रहे हैं इधर? हाँ मैं हालचाल पूछ के आता हूँ इनका। फ्रैंकलिन ये कैसी बातें करता है ये छोटा सा? माइकल भाई वो ये ना स्कूल नहीं भेजा तो ये ऐसी हरकतें करता है। जब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ यार, वो भाई ये ऊपर आ गए। फ्रैंकलिन उतर करके मार। अरे यार उतर करके मार, सब इन लोगों को पता चलेगा इन लोगों ने पंगा किससे लिया है। फ्रैंकलिन भैया हम छुप रहे हैं, छुपे रहो चुपचाप से। एक सेकंड गाइस ये भी गया, ये तो बिल्कुल ही जाएगा। फ्रैंकलिन भैया ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, मुझे खुद पता चल जाए तो फ्यूचर में तेरे को बता दूंगा। यार ये लोग तो आते ही रहेंगे, तू फ्रैंकलिन ये देखो ऊपर से आ रहे हैं। माइकल भाई हाँ आप सही कह रहे हो, ये लोग तो आते रहेंगे, हम निकल लेते हैं, हमारा निकलने में ही भलाई है। हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी से निकलो नहीं तो आप सेफ नहीं रहोगे बिल्कुल भी। अबे हाँ यार जल्दी बैठो निकल ही बैठा। ठीक है बैठे रहे ओके सो गाइस सर देख सकते हो। और गाइस सर वैसे अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माइकल भाई आप भी तो कुछ बोलो, माइकल भाई कुछ बोलो तो सही। फ्रैंकलिन भैया क्या इनकी गोली लग गई? माइकल भाई की गोली लग गई। माइकल भाई
फ्रैंकलिन इन लोगों ने मेरी गोली मार दी। माइकल भाई कब? फ्रैंकलिन मैं बोल रहा था तू अंदर ही रहता। ओ भाई मेरी गलती की वजह से माइकल भाई को गोली लग गई। फ्रैंकलिन भैया अब तो गलती हो गई आपसे। अबे यार अब इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भैया ले जाना तो पड़ेगा ही ना, जल्दी से लेके चलो। फ्रैंकलिन पढ़ने का क्या मतलब है भाई, ले जाना पड़ेगा ही। अबे यार रुक जाओ एक सेकंड गाइस, एक सेकंड इस गाड़ी से मैं ना सारी तबाही मचा दूं। पहले एक मिनट यार, एक मिनट में सारी तबाही मचा दूं भाई। फ्रैंकलिन भैया यार साइड वाले तो मरे नहीं यार, आप तो आगे तबाही मचाने को आए हो। अबे रुक जाना तू चुप रह शिनचैन। तो गाइस देख सकते हो आगे की जितनी भी गाड़ियां थी सारी हमने फोड़ फाड़ तो दी है। गाइस यार अब हम निकल लेते हैं हॉस्पिटल की तरफ कैसे भी करके इन लोगों को टैकल करके। फ्रैंकलिन भैया नहीं टैकल हो रही है शिनचैन, मैं हूं ना टैकल करने वाला। फ्रैंकलिन भैया माइकल दद्दू के सर में दर्द हो रही है। अरे गर्दन में लगी है बेवकूफ इंसान। अरे माइकल दद्दू सॉरी यार, मैंने थोड़ा बचपन में गिर गया था सर के बल। अरे तो सर के बल में गिर गया तो ऐसी की बातें करता है। बात अब कल मैं बता रहा हूँ माइकल दद्दू ज्यादा सर पर चढ़ रहे हैं भाई साहब। ऐसा नहीं है साथ बैठ जाए भाई साहब, मेरे शिनचैन के बारे में कुछ ना बोले तो ज्यादा बढ़िया होगा। और भाई साहब गाड़ी ऊपर से चढ़ गई है और भाई साहब कुछ भी हुआ नहीं है। भाई साहब कल तू मेरी बात में ध्यान नहीं दे रहा ना? बिल्कुल ना, मेरे को तेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है तेरी बात में। और तू माइकल भाई को क्या फालतू बोल रहा है शिनचैन का ज्यादा मसिया बनता है तू। मसिया क्या है फ्रैंकलिन भैया, आप अपने भाई के बारे में देखते हो हमारे बारे में से देखो। भाई तो तुम सब ही हो लेकिन माइकल भाई के बारे में फालतू मत बोलो। फ्रैंकलिन भैया मारा ब्लास्ट, ब्लास्ट ही करूंगा और क्या। ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे जो भी आएगा ना भाई। अब ये ब्लास्ट, ये रहा रेंज रोवर वाला। ओके तो गाइस यार रेंज रोवर रिवोक भी ब्लास्ट हो गई है। फ्रैंकलिन भैया एक और आई, एक और आई, एक और आई, एक और ले ले फिर एक और आई तो। आ रही है सामने आ रही है, एक सेकंड गाइस यार सामने आ रही है तो फिर गई। ले भाई ले ले ले, ओ भाई मेरी गाड़ी में भी लग गई। गाइस देख सकते हो यार अब यार ये लोग यार शाम होने को आई है, ये लोग छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। फ्रैंकलिन तू बस लोकेशन पे लेके चल। माइकल भाई हॉस्पिटल लेके चलूंगा। फ्रैंकलिन लोकेशन पे, माइकल भाई पहले हॉस्पिटल पहुंच जाए तो हॉस्पिटल में आपका इलाज करके मैं आपको छोड़ दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। फ्रैंकलिन तो ऐसा है तो फिर ड्राइवर वाले हॉस्पिटल में लेके चल। ठीक है मैं ड्राइवर भाई वाले हॉस्पिटल में लेके चलता हूं। मैं जिस स्पीड पे चल रहा हूं ये लोग मेरे पास आ नहीं सकते। आगे तक क्या आपने फूफे को ठोका है ना? हाँ यार ये भी बात है। ओके तो गाइस चलो हम पहुंचते हैं। वैसे आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस माइकल भाई उठो हॉस्पिटल आ चुके हैं हम। फ्रैंकलिन भैया आ गए। अरे हाँ यार हॉस्पिटल आ चुके हैं। अरे कौन टोड़ फोड़ कर रहा है? अरे भाई यार मेरे भाई को ले जाओ यार जल्दी से हॉस्पिटल। अरे अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फाइनली गाइस यार हम लोगों ने माइकल भाई को हॉस्पिटल छोड़ दिया है। फ्रैंकलिन भैया तो हम लोकेशन पे निकल लें, माइकल दद्दू को तो यार बाद में हम देख ही लेंगे, पर यार हम लोकेशन पे महफूज चल जाते। गाइस यार इस टाइम पे ना हमारे पास पुलिस है नहीं तो यार हम ना यार लोकेशन यार गाइस यार हॉस्पिटल के पास ही लोकेशन है। अगर ऐसी बात है तो फ्रैंकलिन भैया ये तो बड़ी चौकी बात हो गई, हॉस्पिटल के पास लोकेशन है। अबे हाँ यार हॉस्पिटल के पास ही लोकेशन है, माइकल भाई से हम मिल लिया करेंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया कहाँ की है यार? स्पेस है वो, माइकल भाई ने बोला बहुत ही गुपचुप सा स्पेस है, मतलब हिडन स्पेस। अरे हाँ ये घुसो 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 अंदर। अबे कहाँ से घुस गया भाई, एंट्री यहाँ से नहीं थी। अबे भाई ओ भाई पुलिस 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 पुलिस, ओ फ्रैंकलिन इधर पकड़ो। अबे तेरी ऐसे की तैसी राख हो गई ये फ्रैंकलिन भैया, अब तो पुलिस इधर भी आ जाएगी। पुलिस यार इधर भी आ जाएगी। माइकल भाई के ये महफूज जगह नहीं थी। अरे अच्छी बात है फिर तो दूसरी जगह पर लेके चलो। हाँ यार गाइस मैं जल्दी से लेकर के चलता हूँ यार महफूज जगह पे। सो गाइस यार हम यार ऐसी महफूज जगह पे आ गए हैं जहाँ की बाउंड्री यहाँ पे है, घर यहाँ पे है। तो ये गाइस यार हम ना सुबह ही अब देख पाएंगे। सो गाइस यार आपको वीडियो अच्छी लगी चौपर शिनचैन तो सो गए अंदर जाके। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे हाँ गाइस पीएस गेम्स को प्लीज सब्सक्राइब करना गाइस यार, देख सकते हो यार। और नेक्स्ट पार्ट कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।